छह वर्षीय मासूम का कातिल महज 24 घंटों के अंदर ही पुलिस के हत्थे चढ़ा। लखनादौन तहसील की यह घटना शर्मसार करने वाली है। आपको बता दें कि लखनादौन क्षेत्र में एक वहसी ने आपसी रंजिश के चलते महज 6 वर्षीय मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसडीओपी आरए परतेती एवं नगर निरीक्षक नवीन जैन एवं पुलिस टीम की मेहनत रंग लाई। आरोपी अर्जुन पिता सुरेश मर्सकोले ने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को बताया कि मैं और दशरथ परते साथ ही शराब पीते थे, लेकिन मेरी मामी हेमलता ने भला बुरा कहा, जिसके कारण मेरे मन में बदले की भावना में जन्म लिया और इस तरह मेरे द्वारा मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने पगडंडी के रास्ते भदभदा ले जाकर गला घोटकर जान से मार दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वहसी द्वारा जरूर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई हो, जिससे मासूम ने अपने परिजनों को बताने की बात बोली होगी। इसी कारण से वहसी दरिंदे ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस ने धारा 302 201 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए विमल चौबे की रिपोर्ट। अंतर्गत घनसौर रोड पर ग्राम सहसना जो 6 वर्षीय बालिका दिनांक 1/11/2020 को करीब 7 बजे खेलते खेलते गांव से गायब हो गई थी, जो पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर दिनांक 2/11/2020 को थाना लखनादौन में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था। रिपोर्ट पर गंभीरता लेते हुए थाना प्रभारी लखनादौन नवीन जैन एवं मैं तथा थाने के टीम पूरी घटनास्थल ग्राम सहसना पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देशन में वहां जाकर घटनास्थल के आसपास पूछताछ की गई। जो पूछताछ में पाया गया कि सहसना का संदेही अर्जुन मस्कोले बालिका को 7 और 8 के बीच में कुरकुरे फैलाने के लिए किराना दुकान ले गया था, उसके बाद से बालिका लापता है। पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी की दिशा निर्देशन में उनकी उपस्थिति में संदेहियों से थाना लखनादौन में पूछताछ की गई। जो आरोपी अर्जुन मस्कोले ने 6 वर्षीय बालिका को भदग्राम सहसना के भदभदा घास में हत्या कर फेंकना स्वीकार किया। थाना का बल मौके पे आरोपी की निशानदेही में पीड़िता का शव बरामद कर पीएम करा दिया गया है एवं आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण क्या है सर? अभी तक विवेचना में आरोपी ने बताया कि उसके मां से वाद विवाद हुआ था, उसी रंजिश को लेके बालिका की हत्या किया है। आगे विवेचना जारी है। शव को देखने के बाद में क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बच्ची का दुष्कर्म बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया? पीएम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, जो स्थान था वहां पर जिस स्थिति में बच्ची की लाश मिली थी, उस स्थिति को देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।